तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हो, या बढ़िया भी हो। तुम्हारा भाई भी बहुत अच्छा हो, या बढ़िया भी है। तो यार बहुत टाइम बाद में वाली वीडियो मतलब ऐसे फेस के साथ बना रहा हूँ। तो यार हुआ कुछ यूँ था, तुम्हारे भाई ने जब वाली मोटिवेशन कराई तो तुम्हारे भाई की बिल्कुल ही तबियत बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो यार इसी चक्कर में तुम्हारा भाई कुछ वीडियो के अंदर बोल नहीं पाया, तो इसी चक्कर में भाई तुम्हारे भाई ने वीडियो के अंदर कुछ बोला नहीं। तो यार इसलिए मैं ऊपर से वॉइस ओवर कर दूंगा वीडियो के अंदर। आप इन्जॉय करना वीडियो को, ऊपर से सॉन्ग भी जोड़ दूंगा थोड़ा बहुत, देख लूंगा अगर सही लगा वीडियो के अंदर तो मैं सॉन्ग भी जोड़ दूंगा। तो यार इस टाइम पर तुम्हारे भाई की तबियत बहुत ज़्यादा खराब थी, इसलिए यार तुम्हारा भाई कुछ बोल नहीं रहा था। तो यार ये वाली वीडियो आप पूरी चेक करना। यार मैंने एक चीज़ बताई डिटेल के अंदर कि मतलब मैंने गाड़ी के अंदर क्या कैसे करवाया है। और यार अगर आप करवाना चाहते हो बहुत ही चीप, यार बहुत ही चीप मॉडिफिकेशन है, बहुत सस्ते में करवा सकते हो आप, यार एकदम बढ़िया है। 7 दिन बाद मैं ये वीडियो मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे, वो वाली तो मैंने पहले कर ली थी। तो यार मैंने 7 दिन बाद इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भाई रिव्यू भी दे दूंगा स्टार्टिंग में कि मतलब इस मॉडिफिकेशन की वैसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही गाड़ी के अंदर, कि मतलब हिलने विलने की आवाज़ आवाज आ रही हो, एक्स्ट्रा ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही हो भाई गाड़ी के अंदर। तो यार आप वीडियो पूरी चेक करना, एंड तक देखना। तो यार तुम्हारे भाई की तबीयत खराब थी, कुछ व्यूज़ और कंटेंट के लालच में यार तुम्हारा भाई तबीयत खराब में भी चला गया। तो यार चेक करने का पूरी वीडियो आया, एक बात पे लाइक भी ठोक देना कि भाई तुम्हारा भाई तबीयत खराब में भी वीडियो बना रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है इस टाइम पे। तो आप पूरी वीडियो एंजॉय करो, अब आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, आप सीधा वीडियो पे देखो, पूरा एंजॉय करो। लास्ट में मिलता हूँ आपसे, अब सीधा चलो भाई। तो गाइस फाइनली अपना ये खुलने वाला है आगे की फेयरिंग, क्योंकि यार यहाँ से ही अपना काम स्टार्ट होगा, क्योंकि फेयरिंग के अंदर उसको अटैच करना पड़ेगा। अभी देखते हैं, मुझे भी कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं, और देखेंगे जो जैसा रहेगा। अभी ये देखो भाई, ये है अपना अपने V3 का फेस मतलब वाइज़र, और ये इसके अंदर फिट होने वाला है। तो अभी जल्दी जल्दी खुलते हैं और उसको कटवाने के लिए अब देते हैं कि भाई, क्योंकि उसका फेस मास्क कटवाना। तो भाई यहाँ फाइनली अपना फेस मास्क कटने लग गया है, यहाँ से साइड से इसको कटवाना पड़ेगा, क्योंकि यार ऐसे कोई लग नहीं पाएगा यार अपना ये फेस मास्क V3 का। तो यार इसको जल्दी जल्दी कटवाएंगे भाई से, और फिर क्या नाम है आगे चल के इसको फिट करवाएंगे उसके अंदर। तो यार अभी भाई इसको जल्दी जल्दी काट रहे हैं, अभी मैं आपको शीशे भी दिखाता हूँ भाई। ये कुछ शीशे होने वाले हैं अपने V10 कह रहा हूँ, सॉरी अपने टेनर वाले मिलर कॉपी हैं भाई, ओरिजिनल नहीं है। तो यार ये खड़े अपने मान भाई, इस टाइम अपनी गर्लफ्रेंड की याद में खोए हुए, लड़ाई लड़के बैठे हुए शायद। तो यार यहाँ अपनी RS की अभी तक फेयरिंग खुली ही नहीं है, मैं परेशान हो चुका हूँ, पता नहीं कितनी लगी यार इसकी फेयरिंग खुलने में। तो यार जल्दी जल्दी खुलवाते हैं, इस फेयरिंग को खुलवाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो भाई यहाँ आ चुका है अपना V3 का मास्क पूरा कटने के बाद, देखो भाई कुछ ऐसा लुक आ रहा है अभी इसका। इसके ऊपर भी भाई अभी रैप करवाएंगे वाइट कलर का, या देखते हैं ब्लैक होगा या कौन सा होगा। तो भाई देखेंगे जो जैसा सही लगेगा इसके अंदर। और अभी देखो भाई ये कुछ अपनी फेयरिंग आगे से ऐसी खुल चुकी है, यहाँ से भी वाइज़र भी हटेगा। और फिर क्या नाम है, वाइज़र के अंदर यार ऐसा हुआ था एक्सीडेंट के बाद से सही से बोल्ट फिट नहीं हो पाया, तो भाई अंदर से उन्होंने ऐसे जुगाड़ से लगा दिए थे, इसी चक्कर में ऐसे खुलवाने पड़ रहे हैं। तो भाई एक बार चेक करो कितनी अजीब लग रही यार इस टाइम अपनी गाड़ी। तो यार इसके अभी ये आगे से बोल्ट खोल के और उसको फिट करवाते हैं। और भाई देखो इस टाइम पे यार इसके अंदर क्या नाम है घिसाई करवानी पड़ रही है, इसकी वजह से कि यार फिनिशिंग एकदम अच्छी आ जाए। और यार साइड से ऐसे काटने पड़ेंगे, क्योंकि यार फिनिशिंग चाहिए अच्छी, तो कटवाने ही पड़ेंगे भाई बढ़िया करके। तो इस टाइम भाई भाई घिस रहे हैं साइड से बढ़िया करके कि फिनिशिंग आ जाए इसके अंदर बिल्कुल सही से, कि एकदम लगे कि हाँ भाई ओरिजिनली लगे हुए हैं। तो भाई एक बार मैं आपको लगाने के बाद दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। तो भाई चेक दिस आउट, क्या खतरनाक लुक आ रहा है यार अपनी गाड़ी का, एक बार चेक करो भाई, एकदम खतरनाक लग रही है अभी भाई। रैप वैप हो जाए सही करके, ये देखो भाई यहाँ पे कुछ ऐसे करके बोल्ट लगे हुए हैं, 4 बोल्ट कसवाएं, लेकिन यार वैसा मज़ा नहीं आ रहा जैसा मैंने सोचा था। तो यार देखते हैं अभी टेपिंग वेपिंग करवाने के बाद, यहाँ पे भाई यहाँ से काट रहे हैं क्योंकि यहाँ से एक्स्ट्रा आगे को खुल रहा था, इसलिए भाई यहाँ से भी हम कटवा रहे हैं इसे। अभी यार ये लगवाने के बाद चलेंगे सीधा रैप करवाने, फिर रैप करवा के देखेंगे अपनी गाड़ी के अंदर क्या कैसा लग रहा है। और यार टेनर वाले मिरर उसके बाद ही लगेंगे, क्योंकि यार बाई चांस अगर ये अच्छा नहीं लगा तो भाई हटवा ही देंगे, फ़ायदा नहीं है फिर भाई इसे लगाने का। चलो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं, इसका रैप करवाते हैं, इसके ऊपर लगवाते हैं, अभी वाइट कलर का करवाएंगे या जिस भी कलर का, चलते अभी वहीं पर चल के आपसे मिलता हूँ सीधा वहीं पर। तो भाई हमने सिलेक्ट कर लिया, तो यार वाइट कलर का करवा रहे हैं इसके ऊपर हम रैप। तो भाई चेक करो ये रहा अपना वाइट कलर, और ये भाई भाई इस टाइम कर रहे हैं इसके ऊपर रैप की तैयारी। तो इस टाइम पे भाई कट कर ले रहे हैं कि किस साइड से कैसा कटेगा, एकदम सही आना चाहिए। तो भाई अब इसको लगवाते हैं। तो भाई एक बार चेक करो ये खड़ी अपनी RS कैसी लग रही है यार वाइज़र हटने के बाद। तो यार अभी इस वाइज़र को वाइट कलर लगाने के बाद देखते हैं कैसी लगेगी। तो भाई यहाँ से जल्दी जल्दी भाई से इसको लगवाते हैं, और फिर फिट करने के बाद आपको दिखाता हूँ एक बार गाड़ी का लुक कैसा आ रहा है। तो भाई जल्दी जल्दी फिट करा के भाई के पास चलते हैं और मिलते हैं आपसे वहीं पे। तो भाई यहाँ पे आ चुके हैं, देखो भाई ये देखो क्या खतरनाक लुक आ रहा है भाई से लगवाने के बाद, आप खुद देखो भाई। ये पड़े अपने टेनर वाले मिरर जो अभी इसमें फिट इंस्टॉल होने वाले हैं। तो भाई क्या ही तारीफ करूँ यार इसकी, भाई वर्ड्स नहीं है मेरे पास, क्या खतरनाक लग रही है, एकदम R1 वाला लुक आ रहा है, पूरा तो नहीं पर थोड़ा बहुत। तो भाई इस टाइम पे देखो भाई आगे की फेयरिंग खोलनी पड़ेगी, क्योंकि यार जो टेनर वाले मिरर्स थे ना इनके लिए मतलब वायरिंग का भी काम है, तो भाई आगे से इंस्टॉल करने पड़ेंगे उसे। तो भाई इस टाइम भाई ने आगे अपना सामने से एकदम फेयरिंग खोल दी है कि भाई सही से भाई कर पाएँ अपना वायरिंग का काम। तो भाई टेनर वाले मिरर भी इंस्टॉल हो चुके हैं। तो भाई अभी जल्दी जल्दी इनका काम करवा के आपको सीधा इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ भाई, क्या खतरनाक लग रही है गाड़ी। तो यार जल्दी जल्दी करते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे करवाने के बाद।
टेन आ रही लग रही है तो हाँ देखियो ऐसे लग रहा टेन आ रहा है वायदर की वजह तो आया मान भाई को टेन आर लग रही है इस टाइम पे टेन आर बना दी आरएस को कन्वर्ट कर दिया टेन आर में तो भाई एक बार चेक करो अपनी गाड़ी का लुक कुछ खतरनाक आ रहा है इंडिया फर्स्ट आरएस 200 टू कन्वर्ट ZX 10R इंडिया की पहली ये टेन आर है ये है तो वैसे आरएस लेकिन इसे टेन आर में कन्वर्ट कर दिया 200cc वाली टेन आर पहली टेन आर 200cc वाली तो गाइस ये वाली वीडियो मैं 3 दिन बाद बना रहा हूँ क्योंकि यार मेरी तबीयत खराब थी जैसे कि मैंने व्लॉग में बोला भी वॉइस ओवर करके तो यार इसी चक्कर में क्या नाम है मैंने व्लॉग नहीं बनाया मैंने सोचा कि क्या नाम है जब तबीयत अच्छी हो जाएगी तभी एंड करूँगा तो यार इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गया अभी मुँह हाथ धोए भी नहीं मैंने ऐसे उठ के आ गया मैं इस टाइम पर और अपनी गाड़ी का एक बार आपको लुक चेक करता हूँ क्या खतरनाक लुक आ रहा है यार चेक करो एक बार ये देखो भाई क्या खतरनाक लग रही है अपनी गाड़ी यार एक बार इसका सिनेमैटिक भी आप चेक कर लेना मैं सिनेमैटिक डाल लूँ वीडियो के बीच में यार सिनेमैटिक चेक करो और कमेंट में बताना कि यार गाड़ी आपको लग कैसी रही है अब कैसी लग रही है वह बताना आप क्या सिनेमैटिक एक बार आप इन्जॉय करो तो भाई अब बात करते हैं प्राइसिंग की प्राइसिंग का भाई देखो ये आया था करीब आपका 300 का जो मतलब ये फेस है बंदे तो यार पूरा फेस रेट तो मैंने कहा नहीं भाई ऊपर का चाहिए वो भी बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला और उसके बाद क्या नाम है 250 की मुझे ये वाइज़र पड़ी थी इसकी और मेरा तो यार मेरे पे पहले से ही थे ये मुझे करीब पहले जब मैंने लिए थे ये 800-900 के आसपास के मुझे पड़े थे शायद मुझे मतलब याद नहीं है मैंने पहले एक वीडियो डाली थी उसके अंदर आप जाके देख लेना उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा वाली वीडियो आप जाके देख लेना उसमें मैंने बताई भी मैंने कहाँ से लगवाए थे तो यार शीशे ओवरऑल अच्छे तो हैं लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है इसकी वजह से और यार और बात कर लेते हैं यार लगाने में क्या खर्चा आया तो लगाने में भाई ज़्यादा खर्चा नहीं आया सिर्फ 150 रुपये खर्चा आया था मेरा 150 रुपीज़ तो यार देख सकते हो इतने कम पैसों में कैसे अपनी गाड़ी एकदम लुक भाई तो गाइस मुझको जैसे कि आर1 बहुत ही ज़्यादा पसंद थी तो यार मैं ले तो नहीं सकता था क्योंकि भाई तुम्हारा भाई का बजट इतना गया तो भाई तुम्हारे भाई ने आर एस 200 को आर1 जैसा लुक दे दिया ये तो नहीं कहूँगा बिल्कुल ही आर1 लग रही है लेकिन यार थोड़ा बहुत मतलब आर1 जैसा लुक आ रहा है इसका आप एक बार चेक करो सिनेमैटिक तो आपने पीछे देखे ही होंगे तो भाई गाड़ी का लुक भाई माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा आ रहा है और यार बहुत ही चीप प्राइस में हो गया ये सब तो यार एक बार आप मुझे कमेंट में बताना आपको गाड़ी कैसी लग रही है और यार एक बार आप नाम भी सजेस्ट कर देना कि अपनी गाड़ी का क्या नाम रख सकते हैं क्योंकि यार मैंने अभी तक अपनी गाड़ी का कुछ भी नाम नहीं रखा तो एक बार आप सजेस्ट भी कर देना कि अपनी गाड़ी का ये नाम रखें या वो नाम रखें तो यार थोड़े बहुत टाइम में मैं रैप भी क्या नाम है इस पर करवाने वाला हूँ गाड़ी में तो सब्सक्राइब भी कर लेना आने वाले व्लॉग्स देखने के लिए और वीडियो को लाइक कर देना और फिर एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना और यार बता भी देना आप कमेंट करना कि मतलब आपको गाड़ी का लुक कैसा लगा तो मिलते फिर किसी प्यारे से नए व्लॉग के अंदर जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।